Hello students, welcome back our YouTube channel Success Study Academy. I'm Ajit and today we are going to study about national income and related aggregates. Already मैंने इसका पार्ट वन का वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हो उसे. देन इसके बाद का जो पार्ट है आपको जिसके अंदर टॉपिक कवर अप लेने हैं. पहला जो टॉपिक रहेगा इसमें GDP at MP, दूसरा टॉपिक आपका NDP at MP, थर्ड टॉपिक आपका GDP at FC, फोर्थ टॉपिक आपका NDP at FC, फिफ्थ टॉपिक रहेगा आपका GNP at MP, सिक्स में आपका NNP at MP, सेवन नंबर आपका GNP at FC एंड एट नंबर at NNP at FC. तो ये ऑल ओवर इस चैप्टर के अंदर में ये चीज़ें पढ़नी है. ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है जो थ्योरिकल कंसेप्ट थे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर अप करे हैं. तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखें ताकि इस ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ सके. तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ में. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो ये सारे के सारे जो रूल आपको गिवन है यहाँ पर वो याद करने पड़ेंगे. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए लर्न करने में. तो देखते हैं पहले हमें क्या करना है. अगर आपको ग्रॉस फाइंड आउट करना है किसी चीज़ का तो उसे नेट के साथ में डेप्रिसिएशन ऐड करना है. अगर इसी के अपोजिट आपको नेट चाहिए तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन आपको माइनस कर देना है. देन थर्ड सेकेंड नंबर पे देखेंगे अगर नेशनल चाहिए कोई कंसेप्ट आपको नेशनल फाइंड आउट करना है तो डोमेस्टिक में एक चीज़ होती है NFIA जिसे कि हिंदी में विदेशों से शुद्ध कारकाय कहते हैं. तो अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको नेशनल मिल जाएगा. इसी तरीके से अगर डोमेस्टिक चाहिए तो नेशनल में से NFIA को आपको माइनस करना पड़ता है. देन बात करते हैं मार्केट प्राइस. जैसे मैंने बताया था मार्केट बाजार कीमत होती है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT इसमें टैक्स जो लगा होता है चीज़ों में वो ऐड होता है. और इसी तरीके से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर देंगे. तो ये तीनों कंसेप्ट आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं. अगर नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए कॉपी में. अब चलते थोड़ा सा आगे वन बाय वन देखते जितने कंसेप्ट हमने देखने हैं. तो पहला टॉपिक इसमें हमारा है GDP एट MP का जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगर हिंदी में बताऊँ तो इसका मतलब है हमारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद. तो चलिए बात करते हैं इसके मीनिंग की. इसका मीनिंग क्या होता है तो इसका जो मीनिंग होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश का जो डोमेस्टिक बॉर्डर है घरेलू सीमा है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है जितनी प्रोडक्शन यूनिट है उन सब ने कितने गुड्स एंड सर्विस फाइनल कंडीशन में तैयार कर दिए हैं. मतलब कि सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मतलब कि वो सारी फाइनल कंज्यूमर गुड्स एक कंज्यूमर के पास पहुँचने वाली है उनकी टोटल वैल्यू होती है. और उसकी खास बात होती है कि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जुड़ा होता है क्योंकि सारी नई चीज़ें होती हैं उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है. लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है ये चीज़. थोड़ा इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है. इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. अगेन फाइनेंशियल ईयर रिकॉल करा दूं मैं कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है. तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है किसी ईयर में 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर तक की 31 मार्च के बीच देश के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी वो सारा का सारा GDP का पार्ट होता है. तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसे GDP एट MP कहते हैं. नाउ बात करते हैं NDP एट MP. अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि यहाँ पर सकल के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड था यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता. फिर भी देखते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. हिंदी में कहलाता है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद. एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है. बट इसमें मूल्यह्रास नहीं होता. डेप्रिसिएशन इसमें माइनस होता है. इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा. इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट टू बी प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. यहाँ पर नोट करने वाली बात है डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड इन इट. मीनिंग क्या हुआ इसका यहाँ पर कि मान लीजिए कोई नई चीज़ थी. अब जब नई चीज़ लेके आते हो तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है लेकिन जैसे वो चीज़ पुरानी हो जाती है उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है उस पर टूट फूट हो जाती है उस पर गिरावट हो जाती है तो उसकी वैल्यूएशन से माइनस हो जाती है. तो उसके बाद जो बचता है वो बचता है NDP एट MP. अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट जो कि है GDP एट FC जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. हिंदी में मतलब वो इसका कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद. इससे अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित कारक आय जिसमें कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक लगान ब्याज लाभ के कुल योग से होता है.
और साथ के साथ इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है। थोड़ा सा इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्ड टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। ऑल फैक्टर इनकम से मतलब यहाँ पे दिया गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस में रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट दैट टू बी अर्न इन अ डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे नोट करने वाली बात अगेन है कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है। अगर मैं यही बात सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो किसी भी जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट, कोई कमोडिटी है, कोई चीज़ है, जितनी कॉस्ट पर फैक्ट्री में बनती है उस कॉस्ट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जीडीपी एट एफसी। खैर अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की अपनी, एनडीपी एट एफसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में मतलब है उसका कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब वही सेम चीज़ रिपीट हुई है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर देश के अंदर जितने भी फैक्टर इनकम है, मतलब जिसके लिए लोगों ने काम किया है, जिसके लिए अपने सोर्सेज लगाए हैं, जैसे एक कर्मचारी का काम करना तो बदले में सैलरी मिलती है, ठीक है, किसी मालिक द्वारा क्या करना, अपनी ज़मीन को किसी को देना, फॉर एग्जांपल आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है आपने किराए पे दे दिया तो बदले में मिल क्या रहा है आपको, रेंट, जैसे हिंदी यहाँ पे लगान लिखा हुआ है। या मान लीजिए आपके पास पैसा था, पैसा किसी को उधार दिया तो बदले में क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी तरीके से आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया तो बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी क्या है, फैक्टर इनकम है आपकी। तो ये सारी फैक्टर इनकम जो टोटल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें सकल से डिफरेंसेस ही सिर्फ इतनी है कि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, जबकि जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था जीडीपी एट एफसी तो वहाँ पे क्या था, डेप्रिसिएशन ऐड था। तो ये चेंजेस है, डेप्रिसिएशन वहाँ पे ऐड होता है और यहाँ पे ऐड नहीं होता। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है जीएनपी एट एमपी। अगेन आ गया ग्रॉस वर्ड, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी राष्ट्रीय वर्ड यूज़ होता है तो उसमें देश के इनसाइड प्लस में आउटसाइड इनकम ऐड होती है, मतलब कि इसमें एनएफआई जैसा जो कंसेप्ट है वो जुड़ेगा। तो इससे जो मीनिंग निकल के आता है वो एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, जिसमें मूल्यह्रास के साथ साथ शुद्ध कारक आय भी जोड़ी जाती है, मतलब कि डेप्रिसिएशन प्लस में एनएफआई इसमें ऐड होता है। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट टू बी प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर प्लस में डेप्रिसिएशन एंड एनएफआई इसमें ऐड होता है। मतलब कि देश के जो नागरिक हैं वो पैसा इसमें देंगे और साथ के साथ हमारे ऐसे नागरिक जो विदेशों में रहते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब इनसाइड प्लस में आउटसाइड इनकम इसमें काउंट की जाती है और साथ के साथ डेप्रिसिएशन भी इसमें ऐड होता है। तो आई होप आपको ठीक से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है एनएनपी एट एमपी। फुल फॉर्म हुई इसकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे कि हिंदी में बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जैसे शुद्ध वर्ड आ जाता है तो मतलब आपको सीधे सीधे डेप्रिसिएशन कर देना है माइनस। तो मीनिंग क्या हुआ इसमें कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक हैं उन उत्पादकों द्वारा बनाई गई सभी अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य है वो टोटल है, बट इसमें मूल्यह्रास नहीं जोड़ा जाता जबकि एनएफआईए को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय वर्ड लगा है लेकिन ग्रॉस वर्ड नहीं लगा है। राष्ट्रीय मतलब इनसाइड प्लस में आउटसाइड इनकम, मतलब देश के लोग और बाहर लोग जो कमा रहे हैं वो दोनों इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन चीज़ पुरानी हो गई, शुद्ध हो गई है, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन, इसमें घिसावट का मूल्य माइनस हो जाता है। तो थोड़ा इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट टू बी प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है, मतलब इसमें ऐड नहीं होता, बट एनएफआई इसमें ऐड किया जाता है। नीचे फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, एनएनपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस में एनएफआईए, कि आप एनडीपी एमपी में एनएफआईए ऐड करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जो 7 नंबर का टॉपिक है आपका जीएनपी एट एफसी, इसे इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वर्ड आ गया फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री में जितने का वो चीज़ बनती है। हिंदी में इसका मीनिंग आता है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल वर्ड यूज़ है, ग्रॉस वर्ड यूज़ है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड होगा। राष्ट्रीय वर्ड यूज़ है तो एनएफआईए भी इसमें ऐड होता है। तो देखें इससे अभिप्राय एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर देश के जो डोमेस्टिक बॉर्डर है, घरेलू सीमा है, उसके अंदर जो अर्जित कारक आए, अर्जित कारक का मतलब कि कमाई गई जो इनकम है, जिसमें जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ, ये सब कुछ इसमें ऐड होता है, और इसमें डेप्रिसिएशन के साथ साथ एनएफआईए भी ऐड होता है, क्योंकि दोनों वर्ड यूज़ किए गए, इसमें सकल और राष्ट्रीय दोनों चीज़ें ऐड है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी होगा और इनसाइड प्लस में आउटसाइड इनकम भी होगी।
इंग्लिश में क्या लिखा है देख लेते हैं। इट रेफर टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम इन इट कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दैट टू बी अर्न इन अ डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसमें साथ साथ अगेन बता दूं, NFI ऐड होता है प्लस में डेप्रिसिएशन उड़ता है। फार्मूला ध्यान से देख लेना इसका। बात करते हैं अगले टॉपिक जो लास्ट इसमें NNP at FC। आप सभी ध्यान दें कि NNP FC ही को ही हम नेशनल इनकम का नाम देते हैं। NNP FC जब भी क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आय निकालिए या नेशनल इनकम निकालिए, तो आपको NNP FC ही फाइंड आउट करना है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर देश के अंदर जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही, फैक्टर इनकम मतलब कि अर्जित कारक आय, उन सबका जो टोटल होता है। बट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें NFIA तो जोड़ा जाता है बट डेप्रिसिएशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध वर्ड लगा है। यहाँ पे भी नेट वर्ड यूज़ होता है, इट्स मीन वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है, बट नेशनल वर्ड होने की वजह से इसमें क्या है NFIA इंक्लूड होता है। अगेन बता दूँ, NFIA का जो मीनिंग है कि हमारे जो इंडियंस हैं जो विदेशों में पैसा कमा रहे हैं, उनकी जो इनकम होती है उसमें हम NFIA का नाम देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नीचे की NDP FC प्लस में NFIA, अगर आप टोटल कर देंगे तो आपका NNP FC मीन्स की राष्ट्रीय आय आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे कंसेप्ट। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको अनक्लियर है, अगर समझ नहीं आया है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर दोबारा काम करूँगा ताकि आपको बहुत ईजिली वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अगर वीडियो में आप अभी लास्ट तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।